जी, तो हमारा आज का लेक्चर है हेलिकल एंड मल्टी स्लाइस सीटी स्कैनिंग, कि हेलिकल और मल्टी स्लाइस अगर हम स्कैनिंग की बात करते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या डिफरेंस है? एक ही चीज़ नहीं है, हेलिकल और मल्टी स्लाइस में डिफरेंस होता है। अब अगर हम देखें कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सीटी स्कैनर कैन बी यूज टू प्रोड्यूस, अब क्या है, ट्रांस एक्सियल जो स्लाइसिस है हमारे पास उनकी के सीक्वेंस, कि सीक्वेंस से जो हम ट्रांस एक्सियल जो स्लाइसिस प्रोड्यूस कर रहे हैं किसके, विद द पेशेंट बीइंग मूव अलोंग द जी एक्सिस। अब जी एक्सिस कौन सा होता है, जो लेंथ वाइज होता है, पेशेंट की जो बॉडी होती है ठीक है, उसकी जो लेंथ वाइज अलोंग द लॉन्ग एक्सिस जो हमारे पास एक्सिस आता है उसको हम जी एक्सिस कहते हैं ठीक है। तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, जी एक्सिस ऑफ द स्कैनर बिटवीन ईच सक्सीडिंग स्लाइस, ईच स्लाइस के हमने एक एक स्लाइस को अगर हम देखें ठीक है, तो उसकी हम एक सीक्वेंस लेते हैं ठीक है। और ये हमारे पास कौन से एक्सिस आते हैं, ट्रांस एक्सियल स्लाइसिस होते हैं। अब आपको पता है कि जब हम सीटी की बात करते हैं तो हमारे पास जो बेसिक स्लाइस सीक्वेंस आती है वो ट्रांस एक्सियल होती है ठीक है, जिसको हम ट्रांस सेजिटल या फिर ट्रांस कॉरोनल नहीं कह सकते। हम वो क्या करते हैं, बाद में रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, हम बेसिक स्लाइसिस ट्रांस एक्सियल ही लेते हैं ठीक है। दिस इज जनरली टर्म्ड एज एक्सियल स्कैनिंग, इसी वजह से हम इसको एक्सियल स्कैनिंग भी कहते हैं, जो हमारे पास बेसिक स्लाइसिस आते हैं। और इस मेथड को हम स्टेप एंड शूट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि हम एक स्लाइस लिया उसके बाद गैप आता है फिर हम अगला स्लाइस लेते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, स्टेप लिया शूट किया ठीक है, एक स्लाइस लिया उसके बाद फिर हम एक स्टेप लेते हैं, एक गैप आता है उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइस लेते हैं, तो इसको हम एक्सियल स्कैनिंग कहते हैं, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, स्टेप एंड शूट टर्म भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए ठीक है। लेकिन ये पहले हम यूज़ करते थे स्कैनिंग प्रोटोकॉल, अब हम इसको रेयरली यूज़ करते हैं, और कुछ जो स्पेसिफिक क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स हैं हमें वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, अदरवाइज हमने इसको रिप्लेस कर दिया है ठीक है। तो जो अब हमारे पास स्कैनिंग है वो ये वाला मेथड नहीं है, ये पहले था, प्रीवियस था। उसके बाद हमारे पास हेलिकल स्कैनिंग आ जाती है। अब इसमें क्या होता है, अ मेजर एडवांस इन स्कैनर डिज़ाइन वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्लिप प्रिंट टेक्नोलॉजी, इसलिए मैंने आपको कहा था कि हमने इसको क्या किया है, अब चेंज कर लिया, अब हमारे पास जो मेथडोलॉजी है वो स्लिप प्रिंट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, इसलिए हम इसको हेलिकल स्कैनिंग कहते हैं, एक्सियल स्कैनिंग हम इसको नहीं कहते ठीक है। द एक्सरे ट्यूब हैज़ टू बी प्रोवाइडेड विद अ हाई वोल्टेज सप्लाई ठीक है, ये हमने पहले जब हमने मशीन की टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी और सब हमने फिजिक्स पढ़ी थी सिटी स्कैन मशीन की, तो उसमें हमने ये चीज़ें डिस्क्राइब की थी कि स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, हाई वोल्टेज जो हमारे पास सप्लाई आती है वो क्यों हम यूज़ करते हैं ठीक है, कौन सी वोल्टेज सप्लाई आती है, उसके बाद डिटेक्टर्स किस तरह के हैं, कौन से डिटेक्टर्स हम यूज़ करते हैं ठीक है। द एक्सरे ट्यूब हैज़ टू बी प्रोवाइडेड विद द हाई वोल्टेज सप्लाई एंड डिटेक्टर्स हैव टू पास देयर सिग्नल्स टू द कंप्यूटर, डेफिनेटली जो डिटेक्टर्स हैं जो कि क्या होंगे, ऑपोजिट साइड ऑफ द एक्सरे ट्यूब होंगे, उन्होंने क्या करना है, सिग्नल्स को कैच करना है ठीक है, और उसके बाद उन सिग्नल्स को आगे कंप्यूटर तक क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है ठीक है। इफ द इक्विपमेंट ऑन द गैंट्री वाज वायर्ड डायरेक्टली टू द एक्सटर्नल इक्विपमेंट देन द गैंट्री वुड बी एबल टू रोटेट फॉर नॉट वेरी मच मोर देन 360 डिग्री विदाउट द केबलिंग बिकमिंग इंटेंगल्ड और ओवर स्ट्रेस्ड, डेफिनेटली हमने ये स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है इस चीज़ को, कि अगर हम स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी यूज़ ना करें तो फिर क्या होगा, डायरेक्टली वायर जो होंगे वो माउंटेड होंगे एक्सटर्नल इक्विपमेंट से, और जब गैंट्री रोटेट करेगी तो साथ में क्या होगा, वायर जो हैं वो भी क्या होंगी, ओवर स्ट्रेच हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि उन्होंने टेंगल्ड हो जाना है या फिर क्या होना है, रैप हो जाना है ठीक है। जब रैप होंगी तो हमें उतनी ही वायर ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, या अगर हम उतनी वायर यूज़ नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा कि वो ओवर स्ट्रेस्ड हो जाएगी, तो इस वजह से हमने क्या किया था, इसको रिप्लेस कर दिया था टेक्नोलॉजी को, क्योंकि हमें रोटेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, वरना फिर क्या होना था, पहले उसने रोटेट करना था फिर दोबारा से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइडों पर रोटेट करना था, पहले रोटेट किया फिर ऑपोजिट साइड पर रोटेट किया, और वो जो टेंगल्स आ जाते हैं या फिर रैप हो जाती है वायर उसको दोबारा से अनरैप करने के लिए, तो उस वजह से हमें क्या होता था कि हमें टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है ठीक है, और अपना जो स्कैन है उसको स्टॉप करना पड़ता था ठीक है। इस वजह से हमने इस चीज़ को रिप्लेस किया, और ये हम पहले बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं। इन ओल्डर इक्विपमेंट फॉलोइंग अ सिमिलर
सिंगल रोटेशन ऑफ द गैंट्री, इट वुड हैव टू बी रिटर्न टू द स्टार्ट पोजिशन एंड रिजल्टिंग इन अ डिले ऑफ सेवरल सेकेंड्स बिटवीन ईच स्लाइस. ठीक है, कि हमें वापस दोबारा से अपनी उसी पोजिशन पे जाना पड़ता था, और इस वजह से क्या होता है कि एक आने के लिए फिर दोबारा वापस जाने के लिए आपके पास क्या होता है, टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है. तो हमारे पास जो स्कैनिंग टाइम था वो इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, स्लिप प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस इन अर्ली 1980s. ठीक है, इससे पहले हमारे पास स्लिप प्रिंट टेक्नोलॉजी नहीं थी. इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म स्लिप प्रिंट कंप्राइजेज अ मेटल रिंग माउंटेड ऑन द गैंट्री. This is connected to the signal output from the detectors. ठीक है, adjacent to the gantry there is a connectors that is able to retain good contact with the rings as a gantry rotate. तो ये connectors होते हैं जिसने क्या किया, इनको आपस में attach कर दिए. ठीक है, और जब gantry जो है वो rotate होगी तो rotation के दौरान जो supply मिलनी है वो continuously मिलती रहती है. This computer takes the signal and pass it to the computer system for image reconstruction. ठीक है, अब ये कनेक्टर ने क्या किया, सिग्नल को कैच किया. ठीक है, उसके बाद इसने क्या करना है, पास करना है किसको, कंप्यूटर सिस्टम को. ठीक है, और वहाँ पे क्या होती है, इमेज रिकंस्ट्रक्शन होती है. ठीक है, टू फैसिलिटेट दिस द डिटेक्टर सिग्नल हैव टू बी सेंड. ठीक है, अब क्या है, डिटेक्टर ने जो सिग्नल्स जो हैं वो कैच किए हैं या डिटेक्ट किए हैं उनको क्या करना है, आगे पास करना है. क्यों, कि एक सीक्वेंस से जब वो आगे पास करेगा सीक्वेंसली, ठीक है, एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इन ऑर्डर टू अकोमोडेट टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिटेक्टर्स ऑन द गैंट्री. अब आपको ये पता है कि डिटेक्टर्स जो हैं वो एक दो नहीं होते, ठीक है, हंड्रेड्स में होते हैं, उनकी एक पूरी रो होती है. अब हर डिटेक्टर ने जो अपना सिग्नल कैच किया उसको आगे पास करना है. अगर इसमें डिले होगा तो उतनी देर में क्या होगा, नेक्स्ट स्कैन आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास स्लाइस आ जाता है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आ जाएगी. तो क्या होता है, ये हाई फ्रिक्वेंसी से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, आगे डिटेक्टर जो है वो सिग्नल्स को ट्रांसफ़र कर रहा है. ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करेगा, गैंट्री, ठीक है, और डिटेक्टर की एफिशिएंसी पे. ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, या जिसको हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो हाई, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, अगर फ्रीक्वेंसी इनकी एफिशिएंसी जो है वो कम होगी तो डेफिनेटली डिले आएगा बीच में. ठीक है, एडिशनल रिंग्स आर यूज टू कनेक्ट द एक्सरे जनरेटर टू द एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई, ताकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई हो सके, तो उसके लिए हम एडिशनल जो रिंग्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, कनेक्टिंग द सिस्टम बाय स्लिप रिंग रेदर देन थ्रू हार्ड वायर्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, कंटिन्यूस रोटेशन हो सकती है. ठीक है, और यूनिडायरेक्शनल रोटेशन हो सकती है, कि अगर हम स्लिप रिंग यूज करें और हार्ड वायर को यूज ना करें तो एक तो कंटिन्यूस होगी, ठीक है, दरमियान में गैप नहीं होगा, दरमियान में हमें रुकना नहीं पड़ेगा, और यूनिडायरेक्शनल होगी. पहले हमें क्या करना पड़ता था, पहले क्लॉकवाइज होती है तो उसके एंटी जाना पड़ता था उसको अनरैप करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, यूनिडायरेक्शनल रोटेशन होगी, किसकी, एक्सरे ट्यूब्स की और डिटेक्टर्स की अराउंड द पेशेंट. ठीक है, अब बेसिक एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस रोटेशन इज टू परमिट फास्टर रोटेशन टाइम्स. जितना रोटेशन टाइम फास्टर होगा उतनी हमारी स्कैनिंग जो स्पीड है वो हाई होगी. ठीक है, जितनी एक्सरे ट्यूब की या गैंट्री की, जिसको हम कह लें, या एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर्स की रोटेशन हाई होगी, उतनी हमारे पास क्या होगा, स्कैन टाइम कम हो जाएगा. ठीक है, जब स्कैन टाइम कम होगा तो फिर क्या होगा कि हम रेडिएशन डोज को कम कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, इफ़ द गैंट्री कैन रोटेट थ्रू लिटल मोर देन 360 degree, पहले हमने कहा था कि अगर हम स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो हम 360 डिग्री को रोटेट, 360 डिग्री से भी ज़्यादा हम रोटेट कर सकते हैं, कि हमने एक 360 डिग्री रोटेट किया और उससे आगे कंटिन्यूसली हम दूसरा रोटेट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर स्लिप रिंग ना हो तो फिर हम 360 डिग्री पूरा करेंगे और वापस जाएंगे जीरो पे, फिर दोबारा 360 डिग्री. ठीक है, इफ़ द गैंट्री कैन रोटेट थ्रू लिटल मोर देन 360 डिग्री देन मैक्सिमम रोटेशन स्पीड इज स्वेयरली लिमिटेड, रिक्वायरिंग कितना,
5 सेकेंड और मोर पर रोटेशन, मैक्सिमम रोटेशन स्पीड कितनी है? 5 सेकेंड या फिर इससे थोड़ा सा ज़्यादा पर रोटेशन के लिहाज से अगर हम देखें, ठीक है। अगर एक रोटेशन में पूरा 360 डिग्री पूरा करना है, हमने कवर करना है, तो उस रोटेशन के लिए टाइम रिक्वायर कितना है? 5 सेकेंड, ठीक है। द मोर सिग्निफिकेंट एडवांटेज इज टू परमिट कंटिन्यूस, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ डाटा वाइल द टेबल मूव्स द पेशेंट थ्रू द स्कैन प्लेन, ठीक है। पहला पॉइंट आपने याद करना है कि हमें रोटेशन, मैक्सिमम रोटेशन के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, सिग्निफिकेंट एडवांटेज में अगर हम देखें तो कंटिन्यूस एक्विजिशन हो रही है डाटा की, दरमियान में कोई डिले नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद डाटा फॉर कंप्लीट वॉल्यूम टू बी इमेज कैन बी कलेक्टेड इन अ सिंगल एक्सपोजर, कि हम एक सिंगल एक्सपोजर में जितना हमें डाटा रिक्वायर्ड होता है, जितना हमें वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है, हम वो पूरे का पूरा वॉल्यूम एक्वायर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास क्या था, पहले सिंपल स्कैनिंग, एक्सेल स्कैनिंग जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं स्टेप एंड शूट। इसमें क्या होते हैं, टेबल मूव कर रहा है, ठीक है, टेबल मूव करेगा, हमने एक स्टेप ले लिया, ठीक है। जब हमने एक स्टेप लिया उसके बाद हमने उस पॉइंट पे शूट कर लिया, ठीक है, हमने एक स्लाइस ले लिया फॉर एग्जांपल। उसके बाद फिर क्या होगा, टेबल दोबारा मूव करेगा, ठीक है, और गैंट्री दोबारा से रोटेट होगी, उस पॉइंट पे आएगी और फिर दोबारा से वो अगला स्लाइस लेगी, फिर क्या होगा, टेबल मूव करेगा। इस तरह से ये था स्टेप एंड शूट मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्लाइसिस का डाटा सेट आ जाता है। अब डाटा सेट में एक डाटा सेट में 2, 3, 4 स्लाइसिस भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से सेटिंग की है, या फिर आपकी मशीन जो है वो सिंगल स्लाइस है, 4 स्लाइस है, किस टाइप की है। ये थी पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेकिन जब हमने स्पाइरल की बात करें, जिसमें स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी आती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक पूरा स्पाइरल हम एक टाइम पे एक्वायर्ड कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली क्या है, टेबल मूव कर रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग स्कैन टेबल कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। इसमें क्या होता था, टेबल अपनी जगह से मूव किया, उसके बाद रुक गया, फिर हमने एक स्लाइस ले लिया, फिर टेबल मूव करेगा और हमने नेक्स्ट स्लाइस ले लिया, या हमने नेक्स्ट डाटा सेट ले लिया जिसमें ज़्यादा स्लाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूसली टेबल मूव कर रहा है और हम कंटिन्यूसली डाटा जो है वो स्पाइरल की फॉर्म में, एक स्लाइस, दूसरा स्लाइस, तीसरा स्लाइस, और हम इस तरह से इसको एक्वायर कर सकते हैं। ये हेलिकल और स्पाइरल दोनों में डिफरेंस होता है। जी अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं दिस टेक्निक इंट्रोड्यूस इन द अर्ली 90s, ठीक है। अब वो कौन सा था, वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम में और सिंपल जो आप ये कह लें कि जो स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी है कि हम वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है, इनमें फ़र्क होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पूरा वॉल्यूम एक्वायर्ड कर लेते हैं, हमारे पास सिंगल स्लाइसेस नहीं होते या सिंगल स्लाइसेस का डाटा सेट नहीं होता, पूरा एक वॉल्यूम आता है, उस वॉल्यूम से फिर हमें दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करना इजी हो जाता है। वरना यहाँ पे क्या होता था कि हम सिंपल पहले स्लाइसिस आए, उस स्लाइसिस से हमने वॉल्यूम बनाया, वॉल्यूम में हम क्या करते हैं कि बहुत माइनर डिटेल से इमेजेस बनाते हैं, ठीक है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि 0.25 mm का इवन हमें स्लाइस भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम 0.25 mm के स्लाइसिस के पूरा एक वॉल्यूम बना लेते हैं। उस वॉल्यूम से फिर हम फर्दर रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं जिस तरह की भी हमें रिक्वायर्ड हो, चाहे 2D आपने करनी है, चाहे आपने 3D करनी है, या आपने एक्सेल स्कैनिंग के लिए हाथ से करनी है, या आपने कॉरोनल या सेजिटल इमेजेस बनाने हैं, तो आप उस वॉल्यूम से बना सकते थे, ठीक है। अर्ली 90s से पहले तक वॉल्यूम का ऑप्शन हम खुद बनाते थे रिकंस्ट्रक्शन से, लेकिन अब जो मशीन्स हैं उसमें हमारे पास जो स्कैन होता है उसमें आपके पास फर्दर जो बेसिक होता है वो वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम से हम एक्सेल चाहे बना लें, चाहे कॉरोनल बना लें, चाहे आप जिस तरह के चाहे जो आप वो इसमें बना सकते हैं, ठीक है। इट हैज़ लार्जली रिप्लेस्ड कन्वेंशनल एक्सेल स्कैन, तो इसने रिप्लेस कर दिया जो सिंपल कन्वेंशनल एक्सेल स्कैनिंग थी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये स्पाइरल हेलिकल स्कैनिंग है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए, वो है पिच, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 पिच लिखे हुए हैं, पिच इज इक्वल टू 1 या फिर पिच इज इक्वल टू 2। तो अगर आप डायग्राम में देखें तो जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो स्पाइरल है इसके दरम्यान में गैप कम है, पिच 1 है तो गैप कम है, पिच 2 हुई है तो ये गैप इंक्रीज हो गया। तो इट्स मीन कि अगर हमने स्लाइस बड़ा लेना है, ठीक है, या हमने ज़्यादा एरिया कवर करना है और हमने स्लाइस की जो थिकनेस है वो ज़्यादा कर दिया, तो हम पिच ज़्यादा होगी,
ठीक है, अगर हम स्लाइस छोटा ले रहे हैं, एरिया आपके पास छोटा है और आपने मेजरमेंट्स जो है वो छोटी लेनी है, ठीक है, तो आप वहाँ पे पिच कम करेंगे। अब ये पिच क्या है? टेबल टॉप मूवमेंट पर रोटेशन डिवाइडेड बाय स्लाइस थिकनेस। अब टेबल टॉप मूवमेंट क्या है कि टेबल जो है वो मूव कर रहा है ड्यूरिंग रोटेशन, ठीक है, वो कितनी है उसको हमने जितनी स्लाइस थिकनेस है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाती है? पिच आ जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर स्लाइस थिकनेस ज़्यादा होगी, ठीक है, तो फिर पिच हमारे पास क्या होगी? ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखें, अ हेलिकल स्कैन कैन बी विजुलाइज्ड एज अ रिबन रैप्ड अराउंड द बॉडी। अब ये रिबन जो है वो रैप्ड हुए हैं अराउंड द बॉडी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्कैनर वॉज सेटअप विद अ स्लाइस विड्थ 10 mm, के हमारे पास जो स्कैनर है वहाँ पे उसमें स्लाइस की जो विड्थ है वो कितनी है? 10 mm, एंड इट हैड अ रोटेशन टाइम ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपके पास स्लाइस की विड्थ कितनी है? 10 mm है, रोटेशन टाइम कितना? 1 सेकेंड। एंड इफ द टेबल मूवमेंट वर एट अ स्पीड ऑफ 10 mm पर सेकेंड हो, ठीक है, 10 mm। अब ये टेबल मूवमेंट है, कितनी है स्पीड इसकी? 10 mm पर सेकेंड। देन द एनालॉगी ऑफ द किसकी? रिबन रैप्ड अराउंड द बॉडी या पेशेंट, ठीक है। अब क्या है? द एजेस ऑफ द 10 mm वाइड रिबन वुड बी टचिंग, कि उनके जो एज हैं वो आपस में, अब ये एज, ये जो रिबन रैप है, ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये स्लाइसेस हैं, ठीक है। अब ये जो एजेस हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये हमारे पास पैरामीटर्स हों तो ये एच जो है वो आपस में क्या होंगे? टच कर रहे होंगे, ठीक है। एंड देयर वुड बी फुल कवरेज ऑफ द बॉडी। डेफिनेटली अगर दरमियान में गैप कम होगा और एच जो है वो आपस में टच हो रहे हैं, तो उसने क्या किया है? पूरी बॉडी को, पूरा जो एरिया है वो कवर हो गया है जो हमने स्कैन किया है, ठीक है। सो इन दिस केस कितनी है पिच? 1। हमने क्या किया है? 10 और डिवाइडेड बाय, अब ये आपके पास कितनी थी? 10 थी, 10 mm पर सेकेंड थी, और स्लाइस थिकनेस कितनी है? 10 है, ठीक है। तो हमने जब दोनों को डिवाइड किया तो पिच कितनी आ गई? 1 आ गई, ठीक है। अब अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं टेबल रोटेशन हमने 10 ही रखी है लेकिन स्लाइस थिकनेस हमने 20 कर दी है, तो फिर क्या होगा? इसी तरह से हम ये पिच निकाल सकते हैं, ठीक है। अब फॉर अ पिच मोर देन 1 द रिबन एजेस वुड बी सेपरेटेड। अगर 1 से ज़्यादा होगी तो जो रिबन एज हैं वो सेपरेटेड होंगे आपस में, उनके गैप ज़्यादा होगा। डेफिनेटली अगर पिच जो है वो 1 से ज़्यादा है, जैसे 2 है, तो ये सेपरेटेड हैं, आपस में गैप ज़्यादा है, ठीक है। और अगर इफ लेस देन 1 है द रिबन एजेस वुड ओवरलैप, कि फिर क्या होगा? सिग्नल जो है वो स्लाइसेस जो है वो आपस में ओवरलैप करें, कि एक स्लाइस का डाटा दूसरे वाले स्लाइस में भी सेम डाटा आ रहा है, आपस में ओवरलैप हो रहा है एरिया, ठीक है। टू रिकंस्ट्रक्ट एन इमेज इन हेलिकल स्कैनिंग द मेजर डाटा हैज टू बी इंटरपोलेटेड फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड, कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसी को हम क्या करते हैं? इंटरपोलेटेड करते हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और फिर हम फर्दर हमने जो भी लेना हो, ठीक है, जो जिस तरह के भी हमें इमेजेस रिक्वायर्ड होते हैं, हम उस कलेक्टेड डाटे से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द रिलेटिव वेट गिवन टू ईच बीइंग डिपेंडेंट ऑन द रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। द पोजिशन एट विच सेक्शन कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड कैन बी एनी वेयर विद इन द स्कैन वॉल्यूम अदर देन फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, किससे? एट द स्टार्ट और एट द एंड ऑफ स्कैन, ठीक है, कि जो हमारी स्टार्ट पोजिशन है और जो एंडिंग पोजिशन है उसका डिस्टेंस, ठीक है। देन फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस एट द स्कैन स्टार्ट एंड एट द एंड ऑफ द स्कैन फॉर विच द डेटा आर नॉट अवेलेबल फॉर द इंटरपोलेशन, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें, दिस मीन्स फॉर एग्जाम्पल दैट इफ अ 300 mm लॉन्ग वॉल्यूम इज स्कैंड, ठीक है। अब हमारे पास कितना है लॉन्ग वॉल्यूम? कितना है उसका एरिया टोटल? कितना है? 300 mm है, ठीक है। उसको हमने क्या किया? स्कैन किया विद द 10 mm स्लाइसेस,
कि हमने एक स्लाइस की जो थिकनेस है वो हमने कितनी रखी है 10 mm, टोटल हमारे पास एरिया कितना था 300 mm, एक स्लाइस की थिकनेस कितनी है 10 mm, ठीक है, उसकी विड्थ है, ठीक है, एंड अ पिच ऑफ टू, पिच कितनी है 2 है। अब हमें पता है कि पिच होती क्या है कि टेबल टॉप मूवमेंट, ठीक है, पर सेकंड के लिए आज अगर हम देखें और डिवाइडेड हम उसको कर दें स्लाइस थिकनेस से तो हमारे पास पिच निकल आएगी। अब हमारे पास क्या है, स्लाइस थिकनेस भी है, विड्थ भी है, ठीक है, और पिच भी है, ठीक है। अब देयर विल हैव बीन ओनली 15 रोटेशंस, अगर पिच हमारे पास 2 है और स्लाइस थिकनेस जो है वो 10 है, ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो रोटेशंस है वो कितनी है 15 है, ठीक है, प्लस एन एक्स्ट्रा फॉर एक्स्ट्रा वन एट ईच एंड फॉर द पर्पस ऑफ इंटरपोलेशन, ठीक है, कि हमने एक्स्ट्रा क्यों ली है, कि हमारे पास ईच एंड पे हमने एक एक्स्ट्रा रोटेशन ली है ताकि जो हमारा टोटल कवर्ड एरिया है वो उसमें सारा जो है वो कवर हो सके, वहां से हम पूरा डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते, ठीक है। फ्रॉम द मेजर डाटा, ठीक है, 30 कंटिन्यूस सेक्शंस ईच 10 mm थिक कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड। डेफिनेटली हमारे पास 300 जो टोटल एरिया था, हमने अगर 10 mm का थिक स्लाइस रखा है तो हमारे पास टोटल कितने सेक्शंस होंगे, 30 होंगे, ठीक है, और इनको हम क्या कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आपने एक पूरा डाटा सेट ले लिए, ठीक है, जिसको हम वॉल्यूम एक्विजिशन कहते हैं, जो कि हमारे पास हेलिकल या स्पाइरल सीटी स्कैन है, ठीक है। ऑल्दो द पोजिशन ऑफ द रिकंस्ट्रक्टेड सेक्शंस कैन बी सिलेक्टेड रिट्रोस्पेक्टिवली एज रिक्वायर्ड, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, जो रिकंस्ट्रक्शन जो सेक्शन है उसके जो स्लाइसेस हैं उनको हम खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं उनकी पोजिशन से। अब फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि हमने ये पूरा एक डेटा सेट लिए, आपके पास ये पूरा वॉल्यूम आ गया, हम ये काम भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमें इस एरिया में कोई पैथोलॉजी है तो हम यहाँ से यहाँ तक उसको सिलेक्ट करके भी वॉल्यूम बना सकते हैं। हम जब इतना एरिया सिलेक्ट करके वॉल्यूम बना सकते हैं तो उसकी हम डिफरेंट डायमेंशंस में या फिर हम ये कह लें डिफरेंट प्लेन्स में हम उसको रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं या फिर हम उसके डिफरेंट थिकनेस पे भी रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमने एक पूरा वॉल्यूम ले लिया, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमने पूरा वॉल्यूम की लेंथ 300 mm, लेकिन हमने 300 mg को यूज़ नहीं किया, mm को यूज़ नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमें जो पैथोलॉजी मिल रही है वो दरमियान में कहीं मिल रही है, तो हम उतना ही सेक्शन भी उठा सकते हैं, उतना डाटा सेट आप उठा लें और उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर लें, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमने ऑल्दो द पोजिशन ऑफ द रिकंस्ट्रक्टेड सेक्शंस कैन बी सिलेक्टेड रिट्रोस्पेक्टिवली एज रिक्वायर्ड द स्लाइस विड्थ कैन नॉट बी लेस देन द डिटेक्टर विड्थ, कि हम जब दोबारा से उसको एक तो पोजिशन हम अपनी मर्जी के ले सकते हैं, उसके बाद हमने क्या करना है, जो स्लाइस विड्थ है वो मिनिमम हमने इतनी जरूर रखनी है जितनी हमारे पास डिटेक्टर की विड्थ होगी, ठीक है। अगर डिटेक्टर की विड्थ फॉर एग्जाम्पल मिनिमम जो है वो 3 mm है फॉर एग्जाम्पल, तो हम 3 mm से छोटा स्लाइस सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 5 mm स्लाइस थिकनेस है लेकिन इतनी नहीं होती, डिटेक्टर की जो विड्थ होती है वो बहुत कम होती है, उसको हम छोटे लेवल पे लेते हैं, ठीक है, तो हम उससे छोटा जो स्लाइस है वो सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट फाइनर डिटेल्स फ्रॉम अ 10 mm थिक वॉक्सल, डेफिनेटली जो 10 mm वॉक्सल है उससे माइनर डिटेल्स को हम कलेक्ट नहीं कर सकते, जो हमें माइनर एरियाज होते हैं वहाँ पे हमें स्लाइस थिकनेस जो है वो 3 mm या 5 mm या 2 mm तक भी डिक्रीज करनी पड़ सकती है, तो ये हम खुद से कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल हाउएवर टू रिकंस्ट्रक्ट ऑन ग्रेटर स्लाइस विड्थ, ठीक है, दैट आर मल्टीप्लाइज ऑफ द डिटेक्टर विड्थ, कि हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिटेक्टर की जो मिनिमम विड्थ है वो कितनी है, 1.5 है, ठीक है। अब हमने स्लाइस लिया है 3 का, तो फिर क्या होगा, दो डिटेक्टर जो है वो मिलके एक स्लाइस बना देंगे, हमने कहा था कि हम मिनिमम जो है वो 1.5 विड्थ तक ले सकते हैं लेकिन मैक्सिमम तो हम जितना मर्जी ले लें, तो अगर हमने 3 का ले लिया है तो फिर क्या होगा, अगर ग्रेटर स्लाइस लिया है तो विड्थ, ठीक है, क्या होगा, मल्टीप्लाइज ऑफ द डिटेक्टर विड्थ,
तो जो स्लाइस है वो डिटेक्टर विड्थ जो है वो मल्टीप्लाई करके उस स्लाइस को रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे, ठीक है, इफेक्टिवली बाय एडिंग एडजेसेंट स्लाइसेस, ठीक है। दिस टेक्निक इज यूज्ड इन मल्टी स्लाइस स्कैनर, ठीक है। हेलिकल स्कैनिंग हैज अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस। प्रिंसिपल एडवांटेज क्या होता है इसकी, सबसे पहले स्कैन स्पीड आ जाती है, विच इज बेनिफिशियल फॉर मैनी रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल, अ स्कैन ऑफ चेस्ट एट पिच कितनी, 1.5, हमने कहा था 1 से कम नहीं रखनी, क्योंकि वहां पे क्या होगा, स्लाइसिस जो हम ओवरलैप हो जाते हैं, लेकिन 1 से ज्यादा तो हो सकती है, लेकिन अगर हम 2 रखेंगे तो फिर हमारे पास क्या होता है कि कवर्ड एरिया जो है वो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन दरमियान में गैप ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम पिच जो है वो 1.5 रखें, ठीक है, अ स्लाइस थिकनेस ऑफ 10 mm वुड टेक बिटवीन कितना, 15 and 20 सेकेंड एट रोटेशन स्पीड ऑफ 1 rotation per second, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्कैन ऑफ चेस्ट एट पिच ऑफ 1.5 एंड अ स्लाइस थिकनेस कितनी है, 10 mm, ठीक है। तो ये अब हम ये रिपीट हो गया, इसको 10 की बजाय अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम 15 कर लें, ठीक है, 15 mm कर लें, तो फिर हमारे पास कितना क्या है टाइम रिक्वायर्ड होगा अगर हम 1 rotation per second करें। तो ये आप खुद से इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर हम पिच को 1 कर दें और हमारे पास थिकनेस जो है वो 10 ही रहे, तो फिर हमारे पास कितना टोटल टाइम आएगा अगर रोटेशन जो है वो 1 rotation per second हो, ये भी आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर मैनी पेशेंट दिस इज पॉसिबल इन अ सिंगल ब्रेथ, ठीक है, कि हम सिंगल ब्रेथ होल्ड में क्या करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स का स्कैन कर सकते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, मिनिमाइज कर सकते हैं किसको, रिस्क ऑफ स्लाइस मिस रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये कैसे होगा कि स्लाइस जो ओवरलैप नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट ने सांस रोका हुआ था, जब हमने मिड स्कैन तक गए हैं उसके बाद उसने सांस छोड़ दिया, ठीक है, इंस्पायरेशन में क्या होंगे, ऑर्गन्स जो वो नीचे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, एक्सपायरेशन में ऊपर मूव करेंगे, तो फिर क्या होंगे, वो ऑर्गन्स की पोजीशन जो है वो कुछ एमएम तक ऊपर नीचे चेंज होती है। जब ऐसा होगा ड्यूरिंग स्कैन, अगर वो सांस छोड़ देता है या सांस ले लेता है, तो फिर क्या होगा, मिस रजिस्ट्रेशन होगी स्लाइसिस की, ठीक है, हमारे पास फुल डाटा जो है वो एक्वायर्ड नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्कैन स्पीड को मैटर करती है, ठीक है, स्कैन स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो एक सिंगल ब्रेथ होल्ड में पेशेंट का पूरा चेस्ट का स्कैन हो सकता है। अगर स्कैन स्पीड कम होगी तो डेफिनेटली वो इतना लंबा टाइम के लिए सांस नहीं रोक सकेगा, तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग होगी, मिस रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। इन सिक्वेंशियल स्कैनिंग पेशेंट्स आर आस्क्ड टू होल्ड देयर ब्रेथ फॉर ईच सेपरेट स्लाइस, ठीक है। सिक्वेंशियल जो स्कैनिंग होती थी वहाँ पे हम क्या करते थे, हर स्लाइस के लिए, हर डाटा सेट के लिए हम पेशेंट का सांस रुकवाते थे, फिर वो ले लेता था, उसके बाद फिर हम कहते थे सांस रोक लो, फिर वो ले लेता था, और इस तरह से हम डिफरेंट 3-4 आप ये कह लें कि एक्सपोजर्स में हम एक पेशेंट का स्कैन जो है वो कंप्लीट करते थे। बिकॉज द डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग इज लाइबल टू वेरी ओवर द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, एनाटॉमिकल डिटेल्स पार्टिकुलरली क्लोज टू द डायफ्राम मे शिफ्ट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द स्कैनर एक्सिस बिटवीन सक्सेसिव स्लाइसिस और टू बी मिस्ड इंटायरली। यही मैंने आपको बात की है कि एनाटॉमिकल जो डिटेल होती है वो क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है, उसकी डायरेक्शन किसकी, स्कैनर के एक्सिस पे, ऊपर नीचे वो शिफ्ट हो रही है, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, मिस रजिस्ट्रेशन या फिर ओवरलैपिंग हो सकती है। तो इसलिए हम सिंगल ब्रेथ होल्ड में कोशिश करते हैं कि अपना जो पूरा है डाटा जो है वो एक्वायर कर सकें, ठीक है। विद अ सिंगल ब्रेथ होल्ड सच स्लाइस मिस रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी अकर, तो इसलिए ये स्कैन स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। अदर एडवांटेज में अगर हम देखें तो क्या है, अदर एडवांटेज ऑफ द स्पीड आर पेशेंट थ्रो। अब हमारे पास क्या है कि उसका जो कंट्रास्ट मीडियम है वो भी हमने यूज करना है, ठीक है। अब अगर हमने स्पीड ज़्यादा रखें तो कंट्रास्ट मीडियम को हम कम यूज़ करेंगे, अगर स्पीड कम होगी तो हमें ज़्यादा कंट्रास्ट मीडियम यूज़ करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में, कम स्पीड अगर होगी तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अब टाइम ज़्यादा लगेगा तो हमें पूरा डाटा जिस एरिया से एक्वायर करना है हमें वहाँ पर ज़्यादा कंट्रास्ट रिक्वायर्ड होगा, कि कंट्रास्ट ज़्यादा टाइम के लिए उस जगह पर स्ट्रे करे ताकि हम वहाँ पर इमेजेस ले सकें, अपना जो पैथोलॉजी है उसको डायग्नोज कर सकें। तो इसलिए हमें वहाँ पर
कंट्रास्ट ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, तो स्पीड की वजह से कंट्रास्ट हम कम यूज़ करते हैं. इंक्रीजिंग पिच अबव वन इज क्लियरली एडवांटेज किड्स में, बोथ इन रिड्यूसिंग एक्सपोजर टाइमिंग एंड रिड्यूसिंग पेशेंट डोज, ठीक है, अगर हम पिच को वन यूज कर रहे हैं, ठीक है. हाउएवर एज पिच इज इंक्रीज रेजोल्यूशन इज, अब क्या है, स्पीड तो ज़्यादा होगी लेकिन रेजोल्यूशन कम होगी अगर हमने पिच को वन से ज़्यादा यूज़ किया है, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, हमें ग्रेटर इंटरपोलेशन जरूर की रिक्वायर्ड होगी, हमें यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा अच्छी रिक्वायर्ड होगी फिर. तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक ऐसी वेरिएबल यूज़ करते हैं जो दोनों को पैरेलल रखे, ठीक है, कि आपके पास स्कैन स्पीड भी अच्छी आए और उसके बाद हम कहते हैं कि रेजोल्यूशन भी अच्छी रहे, ठीक है. उसके बाद हम कहते हैं इन इट इज़ अ जनरल रूल दैट इंक्रीजिंग पिच बियॉन्ड टू गिव्स अनअसेप्टेबल इमेज क्वालिटी, ठीक है, और फॉर मोस्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन पिच इज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड 1.5, ठीक है. वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हेलिकल स्कैनिंग एंड द लॉन्गर कंटिन्यूस एक्सपोजर टाइम एसोसिएटेड विद द टेक्निक जो कि हम कहते हैं मॉडर्न स्कैनर, ठीक है, जनरली गिव एक्सपोजर कंटिन्यूसली फॉर 90 सेकेंड और लॉन्गर, इज दैट अ ग्रेटर लोड, किस पे लोड हो रहा है, एक्सरे ट्यूब पे. अगर हम इतने टाइम के लिए कंटिन्यूसली लोड देंगे तो फिर क्या हो सकता है, एक्सरे ट्यूब जो है वो भी हीट अप हो सकती है, ठीक है. तो हम इन सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद हम एक जो फ्लेक्सिबल आप कह लें कि पिच होगी वो हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ना तो वो 2 से ज़्यादा हो ना वो 1 से कम हो, और ऑलमोस्ट होती है 1.5 और 1 जो होती है वो एफिशिएंट होती है, ठीक है.